1 नवंबर से महाराष्ट्र के अमरावती में श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की शुरुआत हो चुकी है। 8 नवंबर तक होने वाले इस विधान में भक्तों को मुनिश्री स्वात्मनंदी जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य मिल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अष्टानिका महापर्व के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सिद्धचक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो गए हैं। ऐसी ही एक शुरुआत 1 नवंबर से अमरावती के साईनगर स्थित श्री सुपार्श्वना दिगंबर जैन मंदिर उदय कॉलोनी में हुई, जहां विराजमान मुनिश्री स्वात्म नंदी जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में सर्वप्रथम सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण किया। भक्तों ने विधान में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने विधानाचार्य के कुशल निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के चरणों में अर्घ समर्पित करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। 1008 सुपार्श्वना दिगंबर जैन मंदिर साईनगर अमरावती में प्रथम बार परम पूज्य गुरुदेव वात्सल्य रत्नाकर इनके सानिध्य में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सिद्ध चक्र विधान का आगाज हो चुका है और इसी विधान के बीच में महाराज जी का केश लोच एवं पिंची का परिवर्तन होने जा रहा है और महाराज जी की किताब का भी विमोचन होने वाला है। हम सब चातुर्मास समिति की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज अमरावती की ओर से सभी साधर्मी बंदियों को नम्र निवेदन करते हैं कि इस भव्य सिद्ध चक्र विधान में पधारे एवं पुण्य लाभ लेवे। 1 नवंबर से अमरावती में शुरू हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का समापन 8 नवंबर को विश्व शांति महायज्ञ के साथ होगा। जैन फोकस के लिए अमरावती महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।